हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू येट अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले वन वीक में इंडियन फुटबॉल में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम। शुरुआत करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से, और गाइस इस क्लब ने एक स्ट्राइकर को साइन कर लिया है, कोंगो के 26 साल के रिचर्ड कुले एम्बोबो अब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेलेंगे। दोस्तों इस प्लेयर के बारे में बात करें तो गाइस वी कैन से ही इज ए प्रूवन गोल स्कोरर। जी हां, गोल डालने की खासा काबिलियत रखते हैं ये खिलाड़ी। लिथुआनिया के टॉप डिविजन लीग में 19 गोल डाल के आईएसएल खेलने के लिए आए हैं एम्बोबो। तो गाइस डेफिनेटली उनसे फैंस अगले आने वाले मैचों में कई उम्मीदें रखेंगे। दोस्तों काफी सालों के बाद डेम्पो एससी इंडियन फुटबॉलिंग सर्किट में कमबैक करने वाले हैं। बहुत जल्द ये क्लब हीरो आई लीग सेकंड डिवीजन में खेलेंगे। फॉर्मर इंडिया प्लेयर समीर नेक इस क्लब के कोचिंग करेंगे। तो गाइस एक कमबैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लेट्स सी व्हाट डेम्पो कैन अचीव इन द कमिंग इयर्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरला ब्लास्टर्स के 24 साल के यूक्रेनियन प्लेयर इवान कालिजुनिस के खिलाफ उनके पैरेंट क्लब एफसी अलेक्जेंड्रिया ने 9 करोड़ से भी ज्यादा रकम डिमांड कर रहे हैं। जी हां, इवान फिलहाल एक लोन डील पर केबीएफसी के टीम में खेल रहे हैं, लेकिन गाइस इफ केबीएफसी वांट्स टू साइन हिम परमानेंटली तो यहां पे क्लब से 9 करोड़ के करीब एक रकम मांगा जा रहा है एफसी अलेक्जेंड्रिया से, जो मेरे मुताबिक काफी बड़ा रकम है अगर आप इंडियन सुपर लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। दोस्तों यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम को वेस्ट एशियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा उनके चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एक इनवाइट मिला है। याद रखिएगा वेस्ट एशियन फुटबॉल एसोसिएशन में सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कतार जैसे देश मौजूद है। तो गाइस जाहिर सी बात है WAFA चैंपियनशिप विल बी ए क्वालिटी टूर्नामेंट, और ऐसे टूर्नामेंट पर इंडिया का खेलना डेफिनेटली दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टीम। और गाइस इंडिया ने भी इस टूर्नामेंट के लिए अपना सहमति जताया है। तो गाइस अब जनवरी 26 में इस टूर्नामेंट का मेन ड्रॉ आयोजित होगा। ऑल आइज विल बी ऑन द ड्रॉ इन द कमिंग डेज। दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यूजेंसन लिंगडो को एज ए ऑनररी प्रोजेक्ट हेड फॉर इंडियन अंडर 17 टीम अपॉइंट किया है। अब गाइस अगर आप इंडिया के अंडर 17 टीम की बात करें तो जनवरी में ये टीम खेलेंगे यूएई अंडर 17 और उज्बेकिस्तान अंडर 17 टीम के खिलाफ। याद रखिएगा ऑल दिस मैचेस विल बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रिपरेशन फॉर एएफसी अंडर 17 एशियन कप, जो कि इसी साल के आखिरी में थाईलैंड में आयोजित होगा। गाइस भारत के महिला फुटबॉल टीम को वुमेन्स ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट पेरिस 2024 के एशियन क्वालिफायर्स में एक बहुत ही आसान ग्रुप मिला है। भारत के ग्रुप में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक जैसे देश मौजूद है। तो गाइस अगर भारत इस ग्रुप को टॉप करेंगे देन डेफिनेटली दे विल एडवांस टू द राउंड 2, और गाइस देन देयर विल बी अ गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग टू पेरिस ओलंपिक्स। लेकिन गाइस फॉर दैट टू हैपन इंडिया नीड्स टू विन अगेंस्ट किर्गिज रिपब्लिक एंड तुर्कमेनिस्तान। क्या भारतीय महिला टीम वो कर पाएंगे? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आंसर। इसी के साथ गाइस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।